क्राइम ब्रांच की नाकोटिक सेल ने एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने सन्नी नाम के इस तस्कर के पास से 1 किलो फाइन क्वालिटी हेरोइन भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 करोड़ रुपए है। दरअसल पुलिस को राजधानी दिल्ली में लगातार ड्रग्स की तस्करी के बारे में सूचना मिल रही थी। क्राइम ब्रांच की नाकोटिक सेल तमाम सूचनाओं पर काम कर रही थी। ड्रग्स तस्करी के मामले दिल्ली में सामने आ रहे थे। पुलिस के खबरी पुलिस को ड्रग्स के बारे में लगातार सूचना दे रहे थे। 27 मई को क्राइम ब्रांच की नाकोटिक सेल को जानकारी मिली कि दिल्ली के अमन विहार इलाके में ड्रग्स की एक बड़ी खेप आने वाली है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने अमन विहार इलाके में ट्रैप लगाया और एक शख्स को पूछताछ के लिए रोका। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम सुमित उर्फ सन्नी बताया। पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ड्रग्स की इस खेप को वो किसी को देने जा रहा था। पूछताछ में सन्नी ने बताया कि पहले वो अवैध शराब का धंधा करता था, लेकिन उसमें मुनाफा कम था। ज्यादा मुनाफे के लालच में वो ड्रग्स के धंधे में उतर गया। पुलिस के मुताबिक सन्नी अमन विहार और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। अब पुलिस की टीम इससे ये पता करने में जुटी है कि इसके साथ इसके कौन और साथी शामिल है और ये ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप लाया कहां से। सनसनी ऑफ इंडिया। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक।